सभी कर्मचारियों को दिल से नमस्कार और हमारे आए हुए सभी मोटिवेशन टीम का दिल से शुक्रिया जी। आज भी हमारी मांगों को लेके डटे हुए हैं और ये मांगे जब तक ये रहेंगे तब तक हम लोग यहाँ आते रहेंगे और यहाँ पर हमारी मांगों को लेकर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो है उनको हम लोगों से दया है, करना है, हम लोगों को दर्द नहीं देखा जा रहा, अपना भी और आप लोगों का भी। और आज हम आपको विश्वास के बारे में बताएंगे कि विश्वास से ईश्वर भी आपको साथ साथ मदद करने के लिए आ जाते हैं, ईश्वर को भी आना पड़ता है। अगर आपने विश्वास अपने मन में रख लिया तो आपको ईश्वर भी स्वयं आएगा। इसी बीच में हम कहानी के माध्यम से विश्वास की शक्ति के बारे में बताना चाहेंगे। एक राजा की लड़की थी और वो जंगल में एक मंदिर में जाया करते थे, तो वहां क्या हुआ कि वो हमेशा जाती रहती थी, भगवान शिव को बड़ा लगाव था, पूजा करती थी मंदिर में, उनको विश्वास था कि एक दिन हमको भगवान मिलेंगे। और वो डेली जाती रहती थी, तो एक दिन क्या हुआ कि वहीं से एक चोर निकला अपने साथियों के साथ जो है, तो उनको पता चला कि ये राजा की लड़की है। आए नहीं यार तुम? और इनसे क्योंकि राजा की लड़की है तो गहना देवर वगैरह तो पहने रहती हुई होगी, तो आप समझिए कि उनको लगा कि इनसे कैसे चोरी किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके साथ में कुछ राजा के सैनिक वगैरह भी रहते थे। उन्होंने क्या किया कि साधु का भेद बनाया और वहां मंदिर के पास गए, उस लड़की से कहा कि आप जो है हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, अभी आपका जो है भगवान पे मिलन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप कल आइएगा, थोड़ा गहने वगैरह और पहन कर आइएगा और आपको गुरु दक्षिणा दी जाएगी। वो दूसरे दिन आई, गहने वहने लेकर आई, कुछ पहन कर लेकर आई और उन्होंने गुरु दक्षिणा ली। तो जो चोर था साधु के भेष में, तो उसने क्या किया कि गुरु दक्षिणा तो दे दिया और इसके बाद कहा ये पेड़ है और यहाँ पर जितना भी है आपको हम बांध देते हैं और जब तक हम आ न जाए आप गहना वगैरह सब अपना इसमें पोटली में बांध दीजिए और जब तक हम वापस आ न जाए तब तक आपको जो है कहीं नहीं जाना है। तो फिर वो जो चोर था उसकी पोटली लेके चला गया और उस राजा की लड़की को वहां उस पेड़ में बांध दिया। पेड़ में बांधने के बाद उस राजा की लड़की को इतना दर्द विश्वास था अपने गुरु के ऊपर, एक दिन वो आएंगे, एक दिन क्या वो मतलब उनको विश्वास हो गया कि नहीं अभी हमारे गुरु जी आएंगे हमको और भी चीजें बताएंगे। इसके बाद क्या हुआ कि तीन दिन हो गए उनके गुरु नहीं आए क्योंकि वो चोर थे। तो भगवान के पास ये बात पहुंची कि भाई वो तो लड़की जाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे गुरु आएंगे तभी मैं जाऊंगी यहाँ से। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक जो है आपको कहीं जाना नहीं है। तो भगवान ने जो है नारद मुनि को भेजा कि आप इनको समझाइए कि वो चोर था और वो आपके साथ छल करके वो चला गया। वहां पर फिर नारद मुनि आए, उनको समझाए कि आप जाइए घर, वो चोर था, वो कोई गुरु नहीं था और वो आपके साथ छल करके आपका जो है सामान ले गया है। मगर उस राजे की लड़की उसको इतना विश्वास था कि मेरे गुरु आएंगे
उस चोर के पास भी जाऊंगा, उसको बताऊंगा कि तुमने ऐसे किया है इस राजे की लड़की के साथ में। भगवान वहां साक्षात आ गए उस लड़की के पास में जो पेड़ से बंधी हुई थी और उनसे कहा कि मैं भगवान हूं जिनको तुम मंदिर में पूजने जाते थे और आप जो है मैं तुम्हें फोन लाया हूं। भगवान को उन्होंने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उनका इतना दृढ़ विश्वास था उस गुरु के ऊपर कि वो आएंगे मुझे छुड़ाएंगे और मुझे और भी ज्ञान की चीजें देंगे। उन्होंने भगवान को भी मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं मानती हूँ, जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे तब तक मैं जो है नहीं जाऊंगी यहाँ से। फिर भगवान ने क्या किया, उस चोर को बुलाया जो गुरु बनकर आया था और जो है वो चोर आया, कहा मैं आ गया हूं। वहां पर तीनों लोग इकट्ठा थे और वो जो है भगवान ने कहा गुरु से कि भाई आपको एक गुरु मान चुकी है, आप बड़े चोर हो, इनको आप खोलिए। तो फिर उसे